और बसीरहाट में आज होने वाली इनवाली इंटरनेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया गया है। टीएमसी नेताओं समेत कई देशों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले थे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रद्द होने पर आयोजकों ने सफाई दी, कहा धारा 144 लागू होने की वजह से फैसला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक ममता सरकार ने विपक्षी पार्टियों के दबाव की वजह से फैसला लिया। हिंसा प्रभावित बसीरहाट में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के आयोजन पर आलोचना लगातार हो रही थी। सुंदरबनी में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है, हमले में सेना के एक जवान शहीद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले थे शहीद जयद्रथ सिंह, श्रद्धांजलि के बाद पार्थिव शरीर सहारनपुर के लिए रवाना होगा। अमेरिका से लगातार दूसरे साल पाकिस्तान को मिलने वाला एंटी टेरर फंड रुक गया है, कहा पाकिस्तान आतंकवाद को रोकने में नाकाम रहा। अमेरिका ने 2,250 करोड़ की आर्थिक मदद को रोक दिया है, 24 घंटे के भीतर नवाज शरीफ को दिया हुआ ये दूसरा बड़ा झटका है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एक पत्थरबाज की मौत हुई, आर्मी की पेट्रोल पार्टी पर पथराव के बाद सैनिकों से हथियार छीनने की कोशिश कर रहे थे। देसी बोफोर्स तोप धनुष में चीनी पुर्जों के इस्तेमाल पर सीबीआई का बड़ा खुलासा, मेड इन जर्मनी बताकर चीन के कल पुर्जों की आपूर्ति की गई। सीबीआई ने सिद्ध सेल सिंडिकेट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धनुष भारत की पहली स्वदेशी बोफोर्स तोप है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बयान के बाद चीन ने फिर से युद्ध की धमकी दी, कहा डोकलाम में भारत पीछे नहीं हटा तो सैन्य कार्रवाई को मजबूर होगा चीन। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में लेख छाप कर धमकी दोहराई है चीन लगातार इस तरह के लेख छाप रहा है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में चीन के सामान का बहिष्कार, डोकलाम मामले के विरोध में सामान को आग लगा दी। दिल्ली में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है, नव निर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 जुलाई को शपथ लेंगे। आज पीएम मोदी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को विदाई डिनर देंगे, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में होने जा रहे आयोजन में बिहार के सीएम नीतीश भी शामिल होंगे। नव निर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए देवघर में महारुद्राभिषेक, लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रहे गोपाल बागले पीएमओ में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए गए हैं, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता रवीश कुमार होंगे। केंद्र सरकार के बाढ़ प्रभावित राज्यों को चेतावनी, अगले 3 दिन में भारी बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और आरएसएस पर लोकतंत्र को कैद करने का आरोप लगाया है, कहा शासक को सच्चाई बताने की किसी की हिम्मत नहीं है। साइबर स्पेस को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस भारत में है, दिल्ली में 23-24 नवंबर को आयोजन, पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। सांसद नरेश अग्रवाल के राज्यसभा में दिए बयान की रिपोर्टिंग करने वाले अखबारों और टीवी चैनल्स को कारण बताओ नोटिस भेजने की तैयारी, नरेश अग्रवाल ने इसकी मांग की। नरेश अग्रवाल की आपत्ति पर सभापति हामिद अंसारी ने विशेषाधिकार हनन का मामला चलाने की मांग पर विचार करने का भरोसा दिलाया है। दिल्ली की गीता कॉलोनी में चाइनीज मांझे की वजह से बाइक सवार युवक की गला उसका कट गया, गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मोबाइल स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश किया, 5 बदमाश गिरफ्तार हुए। सुनंदा पुष्कर मामले में दिल्ली पुलिस आज हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने वाली है, एक कॉपी सुब्रमण्यम स्वामी को भी सौंपी जाएगी। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कोर्ट का आदेश है, दिल्ली पुलिस से 4 हफ्ते के अंदर होटल लीला का कमरा नंबर 345 खोलने के लिए कहा है। नॉर्थ दिल्ली नगर निगम में 2 लाख स्ट्रीट लाइट्स की जगह एलईडी लाइट्स अब लगेंगी, 1 साल में 50 करोड़ रुपए की इससे बचत होगी। फरीदाबाद में परफ्यूम स्प्रे के बाद सिगरेट जलाने से कार में आग लग गई, कार में बैठा हुआ व्यक्ति गंभीर। मुंबई के शिवाजी नगर में सड़क पर जमा हुआ बारिश का पानी, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। मुंबई के चेंबूर इलाके में सड़क से गुजर रहे व्यक्ति पर नारियल का पेड़ गिर गया, गंभीर हालत में अस्पताल में। मुंबई से सटे कल्याण में तेज बारिश की वजह से कई पेड़ गिरे, करीब 8 गाड़ियों को नुकसान हुआ, 1 व्यक्ति घायल। मंडी में मनाली चंडीगढ़ हाईवे पर भूस्खलन, करीब 300 वाहन फंस गए हैं, दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। मुंबई के पास भिवंडी में ऑटो ड्राइवर की नदी में डूबने से मौत हुई, ऑटो धोने के लिए नदी के पास पहुंचा था। मुंबई में कारोबारी के गोदाम में 300 किलो टमाटर चोरी हुआ, पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज किया। मुंबई में मच्छरों के खिलाफ बीएमसी ने ऑपरेशन स्पेशल 360 शुरू किया, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए 360 लोगों की टीम बनाई। जयपुर में अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन, पहले दिन पार्टी ऑफिस में आईटी सेल की बैठक ली, समाज के हर तबके तक पहुंचने की बात।
अमित शाह ने सरकार संगठन को मजबूत करने 25 साल तक काम करने का विजन दिया है। कहा बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज न किया जाए। राजस्थान में हवाई पट्टियों के आसपास बनी ऊंची इमारतों को हटाने के लिए कमेटी का गठन हुआ। 27 जुलाई को पहली बैठक होगी। 23 जुलाई को राजस्थान जिला अदालतों में LDC भर्ती की परीक्षा है। हड़ताली कर्मचारियों से वार्ता नाकाम। 6 लाख उम्मीदवार परीक्षा देंगे। राजस्थान के कोटा में चिकित्सा विभाग की बड़ी चूक। स्वाइन फ्लू पीड़ित को बर्ड फ्लू पॉजिटिव बताया। जी मीडिया ने खुलासा किया। राजस्थान के जालौर में महिला 2 बच्चों को लेकर नहर में कूद गई। दोनों बच्चों का शव बरामद कर लिया गया। महिला का सुराग नहीं। बीजेपी सांसद चंदूलाल साहू ने छत्तीसगढ़ के सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी का मामला संसद में उठाया। केंद्र से विशेष टीम भेजकर जांच की मांग की। गरियाबंद के सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी की वजह से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 116 लोग किडनी की बीमारी से पीड़ित। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह शुरू हुई। कांग्रेस की उपनेता रेणु जोगी पर क्रॉस वोटिंग का कांग्रेस को शक है। मध्य प्रदेश विधानसभा में शिक्षा और स्वास्थ्य में गड़बड़ी का मुद्दा गूंजा। स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह की कांग्रेस विधायक से नोकझोंक। भोपाल में आज मध्य प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक। सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। मिशन 2018 पर नजर होगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बीजेपी कार्य समिति की 2 दिन की बैठक। सीएम के अलावा पार्टी के कई बड़े नेता हिस्सा लेंगे। POK से उरी आए ट्रक से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। 200 करोड़ रुपए कीमत हेरोइन ब्राउन शुगर बरामद की गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल पर 60 करोड़ की जमीन हड़पने का आरोप है। फर्जीवाड़ा कर शिक्षा समिति की जमीन अपने नाम की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ज्यादा युवाओं को टिकट देगी। प्रभारी PL पुनिया ने इसका ऐलान किया। ग्रेटर नोएडा में क्रिकेटर परमिंदर अवाना के साथ बदमाशों ने मारपीट की। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गए। यूपी के ललितपुर में कच्ची शराब बेचने को लेकर शराब माफियाओं के 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। 2 महिलाओं समेत 7 लोग घायल हुए। कुशीनगर में बिजली के हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से एक कांवड़िए की मौत हुई। 15 झुलस गए। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की CBI जांच शुरू होने के बाद अधिकारियों में हड़कंप। दस्तावेजों को सही दिखाने के लिए हेरा फेरी का काम शुरू हुआ। यूपी के संभल में SDM प्रतिपाल सिंह की दबंगई। रेलवे फाटक खोलने में देरी होने पर गेटमैन को पीट दिया। गाड़ी में बिठाकर 4 किलोमीटर दूर छोड़ने का आरोप है। यूपी में पीलीभीत से शाहजहांपुर के बीच रेलवे ट्रैक पर हाई टेंशन वायर का पोल गिरा। कर्मचारियों की मुस्तैदी से ट्रेन को रोक दिया गया। अमृतसर के पास वेरका रेलवे क्रॉसिंग पर बने ओवरब्रिज का उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जाने वालों को जाम से राहत मिलेगी। मालवा में MP टूरिज्म के होटल के खाने में मक्खी निकली। शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में सरकारी स्कूल की इमारत खस्ता हाल है। जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने के लिए छात्र मजबूर है। कई ने स्कूल भी छोड़ दिया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बारिश का कहर जारी। निचले इलाकों में पानी भरने से कई गांवों का संपर्क टूट गया। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर पालघर के पास 2 कंटेनर्स में टक्कर के बाद आग लग गई। एक ड्राइवर की मौत हो गई। महाराष्ट्र के शाहपुर में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत। युवक माउली फोर्ट घूमने के लिए पहुंचा था। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार। 1 बदमाश घायल। 2 बाइक 4,20,000 रुपए बरामद किए। मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी के घर पर तोड़फोड़ की। फायरिंग भी की। कारोबारी ने किसी तरह से छिपकर जान बचाई। बरेली में बदमाशों ने कारोबारी को अगवा कर लूट लिया। बदमाश करीब 14 किलोमीटर तक शहर की सड़कों पर घुमाते रहे। मथुरा में बदमाशों ने कारोबारी से 4.5 लाख रुपए लूटे। लूट की वारदात CCTV कैमरे में रिकॉर्ड। लखनऊ में बटलर पैलेस विधायक निवास में लड़की से गैंग रेप की कोशिश। विधायक सौरभ श्रीवास्तव का गनर और नौकर गिरफ्तार। यूपी के जालौन में बदमाशों ने सेंट्रल बैंक से 3.5 लाख रुपए लूटे। ग्रेनेड फेंकने के बाद बदमाश बैंक में घुसे। गुड़िया रेप मर्डर केस में CBI की टीम शिमला पहुंची। राम गोपाल टीम की अगुवाई कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर। जयपुर में मुथूट फाइनेंस के दफ्तर में लूट हुई। हेलमेट पहनकर आए 4 बदमाश। 31 किलो सोना 4 लाख कैश लूट कर फरार हो गए। जालंधर में नकाबपोश बदमाशों ने शराब की दुकान को लूट लिया। पूरी वारदात CCTV में रिकॉर्ड हुई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पत्नी पर सुपारी देकर पति की हत्या का आरोप है। पुलिस ने महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा में मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। थाईलैंड की 3 लड़कियों समेत आधा दर्जन से ज्यादा लड़के गिरफ्तार। इंदौर में पुलिस ने मोबाइल पर्स लूटने वाले प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार किया। आरोपी लड़कियों और महिलाओं को निशाना बनाते थे। उदयपुर में बॉयफ्रेंड के चक्कर में 2 लड़कियों के बीच झड़प हुई। 1 लड़की ने दोस्त के साथ मिलकर दूसरी लड़की पर चाकू से हमला कर दिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जमीन विवाद को लेकर परिवार में हिंसक झड़प। 2 महिलाओं की मौत 4 घायल। मुंबई के पास ठाणे रेलवे स्टेशन से एक संदिग्ध गिरफ्तार हुआ। 40 लाख रुपए कीमत की तेंदुए की खाल जब्त की।
महाराष्ट्र के पालघर में 71 किलो गांजे के साथ एक युवक गिरफ्तार। गांजे की कीमत करीब 8 लाख रुपए। झारखंड के देवघर में 44 साल के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। आपसी रंजिश की वजह से हत्याकार। गया में लूट के मामले में पुलिस ने 3 संदिग्धों के स्केच जारी किए। लोगों से खबर देने की अपील की गई है। 18 जुलाई को मनी एक्सचेंज सेंटर में लाखों की लूट हुई थी। बिहार के नालंदा में ट्रैक्टर ने छात्र को कुचल दिया। लोगों ने ट्रैक्टर को आग के हवाले किया। सड़क पर भी हंगामा किया। व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर होने वाले डेटा के लिए पॉलिसी आएगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी है। रेलवे का खाना खाने लायक नहीं, कैग की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा। पैक्ड फूड और खराब क्वालिटी के पानी पर सवाल उठे। मर्सिडीज ने लॉन्च की नई कार GLC 43 कूपे AX। शोरूम कीमत इसकी 74,80,000 रुपए। पेरू के जंगलों में भड़की आग। दुनिया भर के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट माचू पिच्चू तक पहुंची। 100 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग काबू करने की कोशिश में जुटे। चीन के हेबोई प्रांत में बस और ट्रक की टक्कर। हादसे में 11 लोगों की मौत हुई, 9 घायल हुए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने केमिकल हमले से निपटने के लिए सीरिया के मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी है। हमले के दौरान लोगों को बचाने के तरीके बताए। पोलैंड में न्यायपालिका में बदलावों के खिलाफ प्रदर्शन। राजधानी वारसा में सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली। पेरिस में पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए पहल की गई। सेन नदी के तट पर 50 फुट लंबी नकली वेल बनाई। इसराइल में अल अक्सा मस्जिद में सुरक्षा इंतजामों के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले डाले गए। तुर्की में भूकंप की वजह से 80 घरों को भारी नुकसान हुआ। करीब 40 आफ्टर शॉक से लोग दहशत में हैं। अमेरिका में 21 अगस्त को होने वाले सूर्य ग्रहण के लिए उल्टी गिनती शुरू हुई। नासा के साइंटिस्ट में जोरदार उत्साह। अमेरिका में न्यू जर्सी के जंगलों में भड़की आग 1,000 एकड़ में फैल गई है। आग को रिहायशी इलाके की तरफ जाने से रोकने की कोशिश जारी। 34 साल की सारा सैंडर्स व्हाइट हाउस की नई प्रेस सेक्रेटरी बनी। सीन स्पाइसी की जगह ली।